नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों बहुत टाइम से इस स्टॉक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, हर बार अपर सर्किट के ऊपर दोस्तों क्लोज होता था, बट आज पूरी कहानी उल्टी है। नेगेटिव दोस्तों 4.95% की गिरावट है, स्टॉक लोअर सर्किट में डील कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे दो बड़ी चीज़ है दोस्तों, एक तो रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट कैसा है उसके ऊपर बात करेंगे, और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, क्या इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ग्रीन आ रहा है, या रिजल्ट का इम्पैक्ट है, कौन से लेवल पे गिरावट रुक सकती है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर, उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे, और अहम लेवल क्या है दोस्तों उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों 4 रुपये से हम इस स्टॉक में बने हुए हैं, और दोस्तों पिछली बार जब वीडियो मैंने बनाया था तब आपको अंदाज़ा दिया था कि दोस्तों यहाँ पे अपने को मंथली चार्ट के ऊपर 25.675 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा है, और दोस्तों वैसा ही है, वहीं से गिरावट आना स्टार्ट भी हो गया है दोस्तों। तो अब आगे की रणनीति क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। 5 दिन की अगर दोस्तों बात करें तो दोस्तों 10% के आसपास की गिरावट है, बट एक मंथ में देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला कि ग्रीनहरी थी दोस्तों, ग्रीन पावर अपने नाम से हिसाब से दोस्तों ग्रीनर ही फैला रहा था, बट अब दोस्तों थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ है, तो आगे गिरावट आएगी, कौन से लेवल पर रुकेगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ दोस्तों रिजल्ट के ऊपर थोड़ा समझ लेते कि क्या रिजल्ट आया है। दोस्तों पहले हम बात करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर की, उसके बाद बात करेंगे पिछले दिसंबर 2020 का और 31 दिसंबर 2021 का, ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों देखेंगे। तो दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर में आप देखेंगे कि 30 सितंबर 2021 के क्वार्टर में 11501 का दोस्तों 115 करोड़ का दोस्तों हुआ था रेवेन्यू, वहां से दोस्तों काफ़ी कम हो चुका है, 8253 हो चुका है, यानी कि ये रिजल्ट का सडन इमोशनल पैनिक इम्पैक्ट है इन्वेस्टर की एंड से, यहाँ पे नेगेटिव है दोस्तों, रेवेन्यू कम है एक हिसाब से बोला जा सकता है दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर के ऊपर। बट ये दोस्तों पावर सेक्टर की कंपनी है, ग्रीन पावर है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी बार क्वार्टर टू क्वार्टर की जगह ईयर टू ईयर को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, बट हम क्वार्टर टू क्वार्टर देख लेते हैं फिर हम ईयर टू ईयर पे जाएंगे। तो दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर में यहाँ पे देखिए एक्सपेंस में सेम है, कोई ज़्यादा तफावत नहीं है, बट दोस्तों जो लॉस है हमारा आ रहा है वो EPS में आ रहा है। दोस्तों EPS अगर हमारा देखा जाए तो बिकल लास्ट टाइम का जो EPS था, बेसिक EPS 0.82 था, वो 0.08 हो चुका है, तो वैल्यूएशन का बड़ा गैप यहाँ पे हमारे लिए बन रहा है। दोस्तों अब आ सकते हैं दोस्तों ईयर टू ईयर, तो दोस्तों ईयर टू ईयर में तो बनांजा ऑफर है, 49 CR का सीधा 82 CR हो गया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों स्टॉक ने अपना दिया है। और दोस्तों आप एक्सपेंस भी देखिए काफ़ी कम हुआ है, रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों नोट करने वाली बात है। बट यहाँ पे दोस्तों ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर में है। अब दूसरा न्यूज़ क्या है उसके ऊपर दोस्तों समझ लेते हैं कि श्रीराम ग्रुप इन टॉक्स टू एग्जिट ओरिएंट ग्रीन पावर। दोस्तों पहले एक्सिस बैंक ने ऑफलोड किया था 38 लाख शेयर, तब मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक बेच के चला, बट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ऊपर गया था, उसके बाद स्टॉक कोई दिक्कत नहीं आया था। श्रीराम ग्रुप के पास जो शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, श्रीराम EPC के पास 0.05% का शेयर होल्डिंग है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर वो लोग चले जाए तो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव होगा, बट और कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों ICRA ने जो बोला है कि बजट में जो बोरोइंग का है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोच रही है, वो मैंने न्यूज़ JP पावर का आज का वीडियो है वहाँ पे कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो न्यूज़ नहीं देखी है तो देख लेना, ये और ग्रीन पावर के लिए भी सेम न्यूज़ रहेगा, तो सेक्टर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है और ग्रीन पावर ही उसका हिस्सा है। अब दोस्तों मंथली चार्ट के ऊपर हमारे पास दो लाइन थी, एक 17.50 की, जहां पे दोस्तों जबरदस्त लेवल को तोड़ने के बाद ब्रेकआउट आया था और हमें पॉजिटिव क्लोजिंग भी मिली थी और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था, बट यहां पे दोस्तों जो 25.63 का जो दोस्तों मंथली चार्ट के ऊपर था वो ब्रेकआउट हमारा पॉसिबल नहीं हुआ है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर भी दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों स्टॉक में जैसे ही ऊपर गया है फिर जबरदस्त गिरावट आई है, इवन
जो मंथली चार्ट का जो लेवल है 25.6075 का दोस्तों लेवल, उसके ऊपर भी क्लोज देने में नाकाम रहे दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर, तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और उसको कैसे तोड़ते हैं उसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों अब दोस्तों हम आ चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे गिरावट कहाँ पे रुक सकती है। सबसे बड़ी चीज़ की जब भी कोई स्टॉक आता है तो गिरावट की हम बात करते हैं, और गिरावट के लिए हम स्विंग लो 27 मार्च का कंसिडर कर रहे हैं, और स्विंग हाई हम कंसिडर कर रहे हैं वो 23.6% का है, जो 22 रुपीज़ के आसपास आ रहा है दोस्तों। बट श्रीराम ग्रुप का एक सेंटिमेंटल वाइज नेगेटिव न्यूज़ है, और दोस्तों इन्वेस्टर जब भी ऐसे स्टॉक जब इतना भाग जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भाग चुका है दोस्तों स्टॉक, सिर्फ 2-3-4 रुपये पे हमने बाय किया था, बट उससे पहले देखिए दोस्तों 2-3 रुपये से दोस्तों स्टॉक ने जबरदस्त तेजी दिखाई, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अपना प्राइस कर लिया है। जब भी ऐसा 10 टाइम्स प्राइस होता है तो दोस्तों थोड़ा एक संदेह रहता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी दोस्तों रिट्रेसमेंट के जरिए हिस्ट्री का अगर देखना चाहे तो 23.6 हमें मिल जाएगा दोस्तों। हम सेटिस्फैक्टरी हम बोल सकते हैं कि सर कि कल के हिसाब से हम चले जाएंगे, हम सिटी नेटवर्क में काफ़ी बार सही हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक में बीसीजी और उसमें कि जहाँ पे लेवल पे गिरावट रुक गई है, पर दोस्तों यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों बीसीजी और इसमें सब में तेजी ऐसी हुई है, बट दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस है। JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक का स्टॉक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और वहाँ पे भी ऐसी ही तेजी बनी थी दोस्तों, ज़बरदस्त तेजी बनी थी, और वहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट भी तोड़ दिया है स्टॉक ने दोस्तों, और गिरावट आई तो लंबी चली थी दोस्तों। अब उसके और इसके चार्ट में क्या समानता है उसके ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो 23.6% का जो रिट्रेसमेंट था उसको दोस्तों पहले ही वीक में नीचे आके दोस्तों तोड़ दिया था, तो हमें कल का ये जो वीक है उससे पहले दोस्तों ग्रीन पावर में भी हमें देखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ग्रीन पावर में ऐसा ही हो 61.8% के रिट्रेसमेंट के आसपास। अब हमें देखना क्या है कि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो स्टॉक है वो कल ये वीक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पे दोस्तों क्लोजिंग हमें दोस्तों मिल जाती है नीचे के एंड पे, फिर भी दोस्तों हमारे लिए बड़ा सपोर्ट लेवल 38.2% का जो लेवल है 80 रुपीज़ का हमारा वीकली रेजिस्टेंस लेवल था, वो अब सपोर्ट लेवल बन चुका है 18.5 का, और 17.5 का लेवल है जो मंथली चार्ट का लेवल है। मैं आपको मंथली चार्ट का लेवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्तों मल्टीपल टाइम दोस्तों ये लेवल को टच किया है दोस्तों, मल्टीपल टाइम यानी कि 70.5 का लेवल को दोस्तों स्टॉक सपोर्ट ले लेगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, अगर कोई फंडामेंटली कोई बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। हो सकता है कि दोस्तों कल ही ऊपर चला जाए या 1-2 दिन में ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, बट मुझे JITF इंफ्रा जितना डरावना माहौल यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी भी। अगर कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आता है, तभी दोस्तों वो 61.8% का लेवल टूटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर दोस्तों 18 के आसपास आए तो आपको बाय करना चाहिए, एड ऑन करना चाहिए अभी तक आपने ये रैली में अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है। और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो डेफिनेटली ये बेस्ट थीम है, बेस्ट प्ले है ग्रीन पावर। और हमारा तो दोस्तों बाइंग लेवल 4 रुपये का है, तो हमें तो टेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर 18 तक आता है तो भी दोस्तों होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आप एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे 0 ब्रोकरेज की स्कीम चल रही है, तो वहाँ पे फ्री में डीमैट अकाउंट कीजिए और ब्रोकरेज भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना है अपने फाइनेंशियल एडवाइस